तो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, इस हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो मेरा तो है पर मेरा नहीं है। मुझे बचपन से ही अंधेरे से था लगता डर, अब ये ही मेरे साथ में है बनके मेरा घर। वैसे तो ज्यादा लोग मुझको जानते नहीं, मेरे अपने भी अपना अब मुझको मानते नहीं। मैं लाइन को कभी बीच से काटता नहीं और दिल की बातें किसी से अब बांटता नहीं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। जो हमेशा मेरे में रहता है, यानी मैं खुद ही, या कहे तो मेरी अंतरात्मा, एक ऐसी इंट्रोवर्ट साइड जो हमेशा मुझे कुछ भी करने से रोकती रहती है। जब भी मेरे कॉलेज में कोई कंपटीशन, फेस्टिवल, स्टेज परफॉर्मेंस जैसे प्रोग्राम्स रहते हैं, जब उसमें पार्टिसिपेट करने का टाइम आता है, एज ए अच्छे बच्चे मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत बहुत बहुत। पर उसी टाइम मेरे अंदर की अंतरात्मा जाग जाती है। अभी उसी टाइम, अभी ये क्या कर रही है स्टेज पे सबके सामने, कुछ बोल दिया तो, कोई ऐसी बात तो, बाद में सब बात करेंगे, जाने दे, आप जाने दे, जाने दे। कुछ इसी तरह तो सक्सेसफुली इस इंट्रोवर्ट साइड ने मेरी अपॉर्चुनिटी ये भी मिस कर दी। यार हमेशा मुझे करने का तो बहुत कुछ रहता है, पर जब भी करने का ट्राई करती हूँ ये साइड मुझे रोक ही देती है, या कहे तो आगे बढ़ने से रोक देती है। पर सच कहूँ तो हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में हमेशा हर चीज़ों में पार्टिसिपेट होना, किसी भी चीज़ की फिक्र ना करना, किसी के भी बारे में ना सोचना, बस जो कहे कर देना, ये सभी गुण मेरे अंदर थे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें क्विट मैच्योरिटी आ जाती है, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, और इसी चक्र में मैं फंस गई और मेरे अंदर वो इंट्रोवर्ट सा इंसान जाग गया, मतलब बन ही गया। जैसे कि अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी ये क्या कर रही है, तेरे फ्रेंड सुनेंगे तो सोचेंगे कैसा बेसुरा आवाज है। इसी की वजह से मैं हमेशा सोचती थी कि यार वॉइस ओवर करना चाहिए क्या, ये मेरे बस की बात नहीं यार, छोड़े दे छोड़े दे छोड़े दे। ऐसे ही करते करते मैंने 2-3 महीने लगा दिए। पर एनिमेशन भी करना है और वॉइस ओवर के बिना कुछ भी मजा नहीं। बट यार बहुत बार हमें कुछ करना होता है, वी लव थिंग्स दैट वी वांट टू डू, बट ये अंदर की कॉन्शियसनेस या कहीं तो निगेटिविटी हमें करने से रोक ही देती है। बट इन माई ओपिनियन लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी शुड डू थिंग्स जो हमें करना पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी यार रिग्रेट ना हो। एंड एक टाइम पर ये निगेटिविटी, दैट इंट्रोवर्ट पार्ट जो हमेशा हमें चीज़ करने से रोकता रहता है, वैसे हम साइड हटा के हमें वो चीज़ कर ही देनी चाहिए, एंड देन वी कनेक्ट टू द वर्ल्ड एंड टू हैप्पीनेस। वैसे ये स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करने का तो सोचा नहीं था, बट दिस टाइम आई फाइनली किल्ड दैट निगेटिविटी एंड डिड व्हाट आई वांट।